हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समली अपने भाई और भाभी के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन समली को देखने रोहित नाम का लड़का अपने परिवार वालों के साथ आता है। तभी रोहित बोलता है, वैसे तो मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। मेरे जितने भी रिश्तेदार आए ना, उन सब का मुंह बंद हो जाए। ये बात आपकी भी ठीक है रोहित जी, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको दहेज दे या फिर आपकी शादी धूमधाम से करवाए। लेकिन भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दहेज दो। अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी कुछ अलग तरीके से कर दो। अगर ये चाहना गलत है तो इसमें मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी जहाँ चार चीज की नुमाइश की जाती हो। भाई साहब, ये शादी है, कोई दिखावा करने की चीज नहीं। दोनों अपनी अपनी बात में सही थे। तभी इन दोनों की बहस देखकर समली अपनी भाभी से उनको मनाने को कहती है। तभी अर्चना उन दोनों को बोलती है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमें वक्त मिलता है तो शायद हम इसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, अगर आप इंतजार कर सकते हो तो, वरना कुछ नहीं कर सकते। अर्चना, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे और कौन देगा हमें पैसे? देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो बता दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है और रोहित जी को भी अच्छे से पता है। ठीक है भाभी जी, आप कहती हो ना तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस फिर ठीक है, अब तो आप भी तैयार हो जाइए शादी के लिए। जब रोहित जी मान गए हैं तो क्या आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैसे भाई हो आप? तुमको कैसे पता होगा मैं कैसा भाई हूँ? मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं बहुत अच्छा भाई हूँ। किसी के कुछ कहने और ना कहने से कुछ बदल नहीं जाता। ठीक है भाई साहब, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे भाई हो, लेकिन लोग कैसे मानेंगे कि आप एक बहुत अच्छे भाई हो जो अपने भाई होने का फर्ज तक पूरा नहीं कर पा रहा? रोहित की बात सुनकर मानव को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ देर बहस होने के बाद मानव भी तैयार हो जाता है शादी करवाने को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्चना मानव से बोलती है, सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि हम अपना खुद का कुछ काम करें, तभी जाकर हम अपनी समली की शादी कर पाएंगे। ऐसा क्या करूँ जिससे हम कुछ कर सके, या फिर मुझे तुम ही कोई तरकीब दो जिससे हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो और पैसों का जुगाड़ भी हो जाए। जुगाड़ है तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मैं भला क्यों बोलती। वैसे भी आपका काम इतना खास नहीं चल रहा, तभी तो मैं सोच रही हूँ क्या हम खाने पीने की दुकान खोल लें। खाने पीने की दुकान अगर मुमकिन है तो ठीक है, खोल लेते हैं, लेकिन कहाँ, यहाँ तो मुश्किल से ही कुछ बिक पाएगा। अगर हमें खाने पीने का दुकान लगाना है तो गांव के बाहर ही लगाना होगा। हाँ, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा था, फिर जाकर मुझे याद आया क्यों ना हम बाजार में ही खाने पीने की दुकान खोल ले। दुकानदार वालों को भूख भी लगती है, उनको गर्मा गर्म खाने को भी मिल जाएगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ, ये बात तुमने अच्छी कही, लेकिन मेरे काम का तो सोचो, मेरा क्या होगा, मैं कैसे दो दो काम को संभालूंगा। आप अपना काम देखो, जब जब आपका काम बंद रहेगा तब तब आप बाजार वाले दुकान में रहना, वहाँ का सब कुछ पहले मैं और समली संभाल लेंगे। अपनी काम से अगर आप अपने काम से फ्री हो जाए तो आप संभाल लेना। अर्चना की बात मानव को बहुत अच्छी लगती है। समली के हाथ का प्याज का पराठा घर पर भी सभी को बहुत पसंद था, इसलिए अर्चना समली से बोलती है, समली, हमें तुम्हारे हाथ का प्याज का पराठा बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ हम अपने दुकान में प्याज का पराठा बनाकर बेचा करें, चाय के साथ पराठा या फिर सब्जी, कुछ भी खाए प्याज का पराठा अच्छा ही लगता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, अगर मेरे हाथ का प्याज का पराठा घर वालों को अच्छा लगता है, शायद इसी बहाने बाहर वालों को भी पसंद आ जाए। देखते हैं कितना सफल होते हैं हम दोनों। सफल हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये प्याज का पराठा सभी को जरूर पसंद आएगा। हम अब कल से ही दुकान जाया करेंगे, दोनों ननद भाभी प्याज का पराठा बेचेंगे और शादी करवाएंगे उन्हीं पैसों से तुम्हारी। आप दोनों को मेरे लिए कितना सोचना पड़ता है ना भाभी, अब तो मुझे लगता है शायद अब मैं आप दोनों के लिए बोझ बन गई हूँ, मेरी वजह से कितनी दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत मारूंगी, बहुत ज्यादा बात करने लग गई है तू, छोटी है छोटी की तरह रहा कर। वैसे भी शादी की तैयारी सिर्फ मैं और तेरे भैया नहीं कर रहे, तुम भी तो हमारा साथ दे ही रही हो ना।
दोनों ऐसे ही हमेशा साथ में बहुत प्यार से रहा करते थे। अगली सुबह दोनों घर का काम खत्म करके अपनी दुकान पर जाते हैं, जहाँ चाय, समोसे, सब्जी और समली के हाथ के बने स्पेशल प्याज के पराठे मिलते हैं। दोनों दुकान में पराठे बना ही रही होती हैं, तभी वहाँ रामू नाम का एक व्यक्ति आता है और बोलता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन खाने पीने की दुकान नहीं थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो यहाँ खाने पीने की दुकान लगा दी। वैसे खाने में समोसे के अलावा क्या है? समोसों के अलावा मेरे हाथ का मजेदार प्याज का पराठा है, एक बार खाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। इसके साथ चाय भी पी सकते हैं और सब्जी भी ले सकते हो। क्या कहा, प्याज के पराठे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाओ दो खा के देखता हूँ कि कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो बोलूँगा अच्छा है, अच्छा है। हाँ हाँ, जरूर खा कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, सब्जी के साथ दूँ या चाय के साथ? सब्जी के साथ खाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन चाय के साथ दे दो, इसी बहाने तुम्हारी चाय भी पी के देखूंगा कि वो कैसा है, क्या वो भी अच्छा है। बाद में सभी दुकानदारों को बताऊंगा कि तुम्हारी दुकान का खाना बहुत अच्छा है, अच्छा है। समली रामू को गर्मा गर्म पराठे बना कर देती है। पराठे खाकर रामू बहुत तारीफ करता है। धीरे धीरे शाम तक सारे पराठे समोसे बिक जाते हैं। पहला दिन था और पहले ही दिन बहुत अच्छी बिक्री होती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पर मानव उत्सुकता से दोनों से पूछता है, तुम दोनों अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो, क्या हुआ, आज का दिन कैसा बीता, कुछ बिक्री हुई या नहीं? अरे कुछ बोलोगे भी, अगर कुछ नहीं बोलोगी तो कैसे पता चलेगा? हाँ मैं मानता हूँ पहला दिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं जाता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब, आज से ही सपना देखा था मैंने सब कुछ ठीक होने का, और देखो आज से ही सब कुछ ठीक हो गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोलो। समली, तुम्हारे भैया ना बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं, इनको सारी बातें बहुत धीरे समझ आती हैं। अरे समली ने अभी आपको क्या कहा था कि सब कुछ आज से ही ठीक हो गया? इसका मतलब हमारा व्यापार चल पड़ा। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज से ही हमारा कारोबार इतना अच्छे चल जाएगा। और आपको बता दूं, हमारी दुकान का प्याज का पराठा ना बहुत प्रसिद्ध हो गया है। हर किसी को समली के हाथ का बना प्याज का पराठा बहुत पसंद आया। हर कोई चाय और सब्जी के साथ ना प्याज का पराठा ही मांग रहा था। लेकिन अर्चना, हमारी समली की शादी के बाद हमारी दुकान में कौन प्याज के पराठे बनाया करेगा? अगर ग्राहकों को उनकी पसंद की चीज नहीं मिली तो वो दुकान बदल देंगे। मैं आपकी मदद करने हमेशा आया करूंगी भैया, वैसे भी मेरा ससुराल कौन सा दूसरे गांव में है। ऐसे ही हंसी खुशी से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समली के बनाए प्याज के पराठे पूरे बाजार में फेमस हो जाते हैं और अब छोटी सी दुकान बढ़कर बड़ी हो जाती है। कुछ महीनों बाद मानव के घर रोहित बात करने आता है और बोलता है, मानव भैया वो 4 महीने गुजर गए, अब तो मेरी शादी करवा दो ना। हाँ वैसे पैसे तो जमा हो गए ना? हाँ हाँ रोहित, अब तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपनी बहन की शादी करवा के तुम्हें दहेज भी दे सकता हूँ, और ये सब खुद समली ने ही किया है, वो भी प्याज के पराठे बेचकर। मानव भी अब अपनी बहन समली की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है और बिना मांगे रोहित को ढेर सारा गिफ्ट देता है। समली भी अब अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन हर रोज अपनी भाभी की मदद के लिए दुकान पर भी आया करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।